हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th एनसीईआरटी सॉल्यूशन चल रहा है अपना। इसमें अपन एक्सरसाइज 1.3 जो है कंप्लीट कर चुके नंबर सिस्टम की। आज से अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं वो एक्सरसाइज 1.4 नंबर सिस्टम की। एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल दो क्वेश्चन इस पे करने हैं अपने को, लेकिन इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन डेफिनेटली आपकी एग्जाम में आता है। एक क्वेश्चन को लेके ही चलेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे एक्सरसाइज 1.4 का दिया है, डियर स्टूडेंट्स, विजुलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग द सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। माय डियर स्टूडेंट, मैग्निफिकेशन वर्ड का मतलब है किसी छोटी चीज को मैग्निफाई, बड़ी करके देखना, उसको एक्सपॉन्स उसको एक्सपॉन्ड करके देखना, उसको एक्सपॉन्सन करके देखना क्या दिखता है, दैट इज अ मैग्निफाई। चलिए, पहले इस क्वेश्चन में जो एक वर्ड यूज हुआ है वो हुआ है नंबर लाइन। डियर स्टूडेंट, पहले नंबर लाइन को थोड़ा सा एक बार रिपीट कर लें। नंबर लाइन होती क्या है? सिंपल से मैंने आपको पूरा नंबर सिस्टम यदि समझाया तो वहीं से स्टार्टिंग करी थी। सिंपल से एक लाइन है जिस पर दुनिया के सारे नंबर अवेलेबल है। सपोज ये एग्जाम्पल सेंटर में है 0, राइट हैंड साइड चलेंगे तो पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश करके अनंत तक जा सकता है। लेफ्ट साइड चलेंगे तो माइनस वाली वैल्यू आ जाएगी, -1, -2, -3, -4 दिस वैल्यू। दिस इज द नंबर लाइन। ये सिंपल क्या है? आपकी नंबर लाइन है। तो अभी जो नंबर विजुलाइज करना चाह रहे हैं अपन, वो सारे नंबर इस नंबर लाइन पर कहीं ना कहीं अवेलेबल है। पहली चीज तो ये क्लियर होना चाहिए। अपने को एक नंबर दिया, डियर स्टूडेंट, उनने दिया है 3.765। इस नंबर को विजुलाइज करके देखना है, मैग्निफाई करके देखना है, वो भी सक्सेसिव मैग्निफाइड। ध्यान से सुनना, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप। जैसे यहाँ 3.765 है तो पहले 3.7 को देखना है, फिर 3.76 को देखना है, फिर 3.765 को देखना है। मतलब जो आपका डेसिमल के बाद वैल्यू है उसको एक एक करके मैग्निफाई करते जाना। डियर स्टूडेंट, पहली चीज यदि सिंपली मैं नंबर लाइन में देखूं तो 3.675 मेरे को कहाँ मिलेगा? तो सिंपल सी बात है कि 3 और 4 के बीच में कहीं ना कहीं वो नंबर मेरे को मिलेगा, है ना? क्योंकि 3.765 किसके बीच में आता है डियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ आएगा नंबर लाइन पर। अगर देखोगे तो देखिए, मैं नंबर लाइन पे सर्कल कर रहा हूँ, 3 और 4 के बीच में ये नंबर कहीं ना कहीं रहेगा। चलिए, तो पहले क्या करें डियर स्टूडेंट, 3 और 4 वाली लाइन को अपन मैग्निफाई कर ले, है ना? नंबर लाइन खींची मैंने, किसके बीच खींच रहा हूं मैं? 3 और 4। ध्यान से सुनना, 3 और 4 के बीच मैग्निफाई कर रहा हूं। सबसे पहले मैं देखूंगा यहां पर 3.7 को, 3.7। चलिए, 3.7 मेरे को एग्जैक्टली मिलेगा कहाँ? तो मैं नंबरिंग करते जाता हूं। देखिए, 3 से आगे चलूंगा मैं तो यहां मेरे को कहीं ना कहीं 3.1 मिलेगा। आगे चलूंगा तो यहां मेरे को 3.2 मिलेगा। बहुत आसान है, देखते जाइए। केवल यहां मिलेगा 3.3, यहां मिलेगा 3.4, 3.5, 3.6 और यहां मिलेगा 3.7। उसके बाद 3.8, 3.9 मिलेगा। माय डियर स्टूडेंट, अपने को जो सर्च करना था 3.7 वो मेरे को मिल गया। क्या मिला मेरे को? 3.7, है ना? 3 और 4 के बीच में मैग्निफाई करा तो 3.7 मेरे को मिल गया है। ओके, अब मेरे को विजुलाइज करना है और 3.76 को देखना है। सेकेंड पार्ट किसको देखना है? 3 पॉइंट, तो यहां ऐसा लिख दीजिए 3.76। इसको किसको विजुलाइज करेंगे? तो विजुलाइज करने का तरीका डियर स्टूडेंट ये होता है 3.7। चलिए, अगर सिंपल सी बात करूं तो 3.7 मिलेगा किस? 3.7
3.76। अब अगला अंक क्या देखना, 3.7, 3.76 किसके बीच मिलेगा, 3.7 से तो आगे ही मिलेगा और 3.8 के बीच में मिलेगा है। तो 3.76 को सर्च करना तो 3.7 और 3.8 के बीच में कहीं ना कहीं मिलेगा। तो इसको इस तरीके से मैग्नीफाई करके अगली स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में ये करना, एक लाइन खींचनी है, यहां दर्शाना है 3.76, सॉरी 3.7, यहाँ पे 3.78, और इसको इस तरीके से दिखाना है डियर स्टूडेंट्स, एरो के निशान से। दिस इज मैग्निफिकेशन, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। नंबर की बात करूं मैं तो मेरे को ढूंढना है 3.7, ये है 3.7, यहां कहीं मिलेगा, इससे आगे चलोगे तो 3.71, देखना ध्यान से, यहां मिलेगा 3.72, यहां मिलेगा 3.73, अपने को 3.76 तक जाना है, यहां मिलेगा 3.74, यहां मिलेगा 3.75, यहां मिलेगा 3.76, और इसके आगे जो रहेगा वो रहेगा 3.77। कोई दिक्कत किसी को नहीं? माय डियर स्टूडेंट, जिसको अपन सर्च कर रहे थे वो वैल्यू मेरे को मिल गई है, कितनी, 3.76। यदि मेरे को 3.76 मिल गया, कहां पे मिला, ये वाला देखिए, दिस इज 3.76, ठीक है, 3.76। अब इस 3.76 को अगेन मैग्नीफाई करेंगे तो अपने को मिलेगा 3.765। ओके, तो नेक्स्ट जो अपने को सर्च करना है वो करना है 3.765, 3.765। इसके लिए क्या करना, फिर मेरे को एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, किसके किसके बीच। अब ये जो मिलना है अपने को कहीं ना कहीं 3.76 और 3.77 के बीच कहीं ना कहीं मिलेगा, मतलब 3.76 और 3.77 के बीच में ही कहीं ना कहीं ये वैल्यू अपने को मिलना है, ये क्लियर हो गया यहां से। चलिए, इसको मैग्निफाई करा इसलिए इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दीजिए एरो के निशान से। दिस इज द सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। नाउ डियर स्टूडेंट, नंबर देखिए 3.7 के आगे चलेंगे तो मिलेगा मेरे को 3.71, 3.71, सॉरी ये जो है 3.76 के बीच में है, है ना, तो यहां मिलेगा 3.761, फिर आगे मिलेगा मेरे को 3.762, समझ रहे हो आप, अपने को कहां तक जाना है, 3.765 तक। नेक्स्ट जो मिलेगा मेरे को 3.763, इसके बाद मेरे को मिलेगा 3.764। चलिए, अपने टारगेट तक पहुंचने वाले हैं अपन 3.765। माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन में देखोगे तो अपने को यही तो वैल्यू दी थी, है ना, अपने को यही वैल्यू दी थी क्या, 3.765। दिस इज योर फाइनली विजुलाइजेशन आंसर, 3.765 को विजुलाइज करके देखना था अपने को इस तरीके से, दैट इज अ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। तो सिंपली ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अगर आप यहां तक इसको मैग्निफाई करके दिखा दोगे तो ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो चुका है। तो एक्सरसाइज 1.4 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। नो,
अब इस एक्सरसाइज में एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अलग कंसेप्ट के साथ, मेथड वही है, क्वेश्चन वही है, मैग्निफिकेशन के सक्सेसिव मैग्निफिकेशन लगा के अपने को विजुलाइज करना है, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन लगा के अपने को विजुलाइज करना है। ओके ओके क्वेश्चन नंबर दो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर दो है। विजुलाइज 4.26, विजुलाइज 4.26 पे बार है, यहाँ पे क्वेश्चन है, विजुलाइज 4.26 पे बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेस। माय डियर स्टूडेंट, पहले तो क्वेश्चन में बोला अप टू 4 डेसिमल प्लेस तक विजुलाइज करना है, कितने 4 डेसिमल प्लेस तक विजुलाइज करने का मीनिंग ये है, सिंपल सा, कि जो 4.26 है, दशमलव के बाद 4 प्लेस तक, मतलब इस 2.6 को रिपीट कर सकते हैं अपन, क्योंकि 2.6 के ऊपर बार लगा हुआ है, 2.6 के ऊपर बार लगा है, मतलब अपने को 4.26 तक इसको विजुलाइज करना है। अभी जैसे अपने पास 3.765, मतलब 3 डेसिमल तक विजुलाइज करा था, यहाँ 4 डेसिमल तक विजुलाइज कर, मेथड सेम है डियर स्टूडेंट, नंबर लाइन पर अपने को इसको देखना है। नंबर लाइन यदि मैं सिंपली आपको बताऊं तो क्या है, 4.26 आएगा कहाँ, जैसे ये जीरो है ना, जीरो से इधर चले 1, 2, 3, 4 एंड 5, पहली चीज तो 4.26 आएगा 4 और 5 के बीच में डियर स्टूडेंट, आएगा इस 4 और 5 के बीच में। चलिए पहली स्टेप अपन जो है विजुलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, 4.2 फर्स्ट स्टेप में, 4.2, उसके बाद 4.26, उसके बाद 4.262, उसके बाद 4.2626, है ना। ओके किसको मैग्निफाई करूं पहले, 4 एंड 5 को, ये खींची मैंने नंबर लाइन, यहां लिया आपका 4 और यहां लिया 5, 4 और 5 के बीच को अपन मैग्निफाई कर रहे हैं। कहां तक जाना अपने को, 4.2, ये सेंटर में आ गया इसका 0। ओके 4 से आगे चलेंगे तो आ जाएगा 4.1, फिर उससे आगे चले तो मिलेगा अपने को 4.2 डियर स्टूडेंट, और इससे आगे चलेंगे तो मिलेगा 4.3, है ना। तो 4.2 जो है वो अपने को गेट हो गया, 4.2 तो गेट करना था, अब 4.2 को मैग्निफाई करना पड़ेगा, अब 4.2 को मैग्निफाई करना पड़ेगा, ये रहा आपका जो वैल्यू आप सर्च कर रहे थे, ठीक है। अब अपने को ढूंढना है 4.26, तो जाहिर सी बात है कि वो 4.2 और 4.3 के बीच में कहीं ना कहीं मिलेगा, है ना। सेकेंड अपने को क्या सर्च करना है, यहाँ लिख लीजिए 4.26, दिस इज सेकेंड। चलिए किसके बीच ढूंढेंगे डियर स्टूडेंट, 4.2 और इधर आ जाएगा आपका मैक्सिमम 4.3 के बीच में कहीं ना कहीं मिलना है अपने को, ये क्लियर है, मैग्निफाई करा इसलिए इसको इस तरीके से एरो के निशान से रिप्रेजेंट कर दीजिए, दिस इज द सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। नंबर मिलेगा डियर स्टूडेंट 4.2 से आगे चलोगे तो 4.3, सॉरी 4.23 मिलेगा, 4.2 से आगे चलोगे तो 4.21, 4.22,
4.23, बहुत आसान है, 4.25, और यहां मिलेगा 4.26, इसके आगे जो होगा वो 4.27। क्लियर है, कोई दिक्कत? अपने को ढूंढना क्या था, सर्च कर रहे थे 4.26 को, मिल गया 4.26। क्लियर दिख रहा होगा आपको डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द 4.26, किसके बीच में मिला, 4.2 एंड 4.3 के। अगेन इसको जो है अपन मैग्निफाई करेंगे 4.26 को, क्योंकि अपने को एक डेसिमल और आगे जाना है, इसको फिर मैग्निफाई करा मैंने, है ना। ये आपका नंबर लाइन बन गया, किसके किसके बीच करेंगे इस बार अपन, 4.26 एंड 4.27 के बीच में, 4.26 और यहां जाएगा 4.27। नाउ इसको मैग्निफाई करना डियर स्टूडेंट्स, ओके। नंबर की यदि मैं बात करूं तो यहां आपको क्या मिलेगा 4.26 के बाद, अच्छा न्यू नंबर अपने को सर्च करना है 4.262 दिस, यहां से आगे चले तो ये पहला नंबर मेरे को मिलेगा जो वो मिलेगा 4.261, सेकेंड नंबर ही मिल जाएगा मेरे को 4.262, कोई दिक्कत? इसके बाद का जो नंबर होगा वो होगा 4.263, ठीक है। अपने को क्या निकालना था, 4.262 तक, जो कि अपने को गेट हो चुका है, आपको आसानी से इस लाइन पर दिख रहा होगा डियर स्टूडेंट्स, ये वाला नंबर। अगेन क्या करेंगे अपन, 4.262 को मैग्निफाई करेंगे, तो नीचे जो है नेक्स्ट सक्सेसिव स्टेप में अपन लेंगे 4.262 और 4.263, इसके बीच में मैग्निफिकेशन होगा, ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दीजिए इसको, कौन से नंबर है स्टूडेंट, इसके बाद जो अपने को बताना है नेक्स्ट वो है 4.2626, ओके। चलिए नेक्स्ट नंबर यहां मिलेगा कौन मेरे को, 4.2621 मिला, फिर 22 मिलेगा, 23 मिलेगा, यहां बीच में जो मिलेगा मेरे को वो मिलेगा 4.2625, और जैसे ही 4.2625 मिला उसके बाद का जस्ट जो नंबर रहेगा डियर स्टूडेंट्स वो मिलेगा मेरे को 4.2626, कोई दिक्कत, 4.2626। तो अपन जो सक्सेसिव मेथड लगा के, है ना, नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं वो ये वाला करना चाहते हैं, दिस 4.2626। माय डियर स्टूडेंट दिस इज द विजुलाइजेशन मेथड, तो जो एक्सरसाइज नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.4 थी उसमें दो क्वेश्चन थे एनसीईआरटी में, और यही दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो विजुलाइजेशन बहुत आसान है अगर आपको पूरा जो है नंबर लाइन का नॉलेज है तो, ओके। नेक्स्ट क्लास में अपन एक्सरसाइज 1.4 के साथ मिलेंगे, थैंक यू।